एक अच्छी वीडियो लॉगिंग के लिए जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा कैमरा और वीडियो, उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छी ऑडियो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बेनाम, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तूने चोरी किया ना। सो ये प्रोडक्ट है मोनो का AU400 और ये दूसरा प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से मंगाया है। इसको मैं यूज करता हूँ बेसिकली फॉर मोटो व्लॉगिंग और यकीन मानिए इस प्रोडक्ट ने मेरा दिल जीत लिया। इसके पहले भी मैंने काफी ज्यादा लेवलियर माइक मंगाए फॉर मोटो व्लॉगिंग। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो करना तो कुछ ऐसा सा है इसका बॉक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, ये रहा मोनो AU400। स्मार्टफोन में, कैमरा में, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू वगैरह, कॉन्फ्रेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये है एक ओमनी डायरेक्शनल माइक, मतलब चारों तरफ से आवाज को कैच करेगा। अंदर चेक करते हैं क्या है, मतलब मेरा तो चेक करा हुआ, आपको दिखाता हूं मैं। तो ये रहा कुछ वेस्ट ऑफ पेपर, फिर ये काफी अच्छा सा एक पाउच हमको मिलता है मोनो की तरफ से, काफी अच्छा पाउच है और इसके अंदर निकलता है मेन प्रोडक्ट। तो ये कुछ ऐसा सा है माइक, खोल करके इसको चेक करते हैं। तो इसका वायर भी काफी लंबा है, मतलब 2 मीटर के करीब में आपको वायर दिया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको इसमें मिलती है फॉर मोटो व्लॉगिंग वो है TRRS to TRS अडॉप्टर, जो कि हम अपने GoPro में यूज करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं बाइक पे और करते हैं इस माइक को टेस्ट। अभी मैं आ गए हूँ अपने मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे। तो GoPro में माइक कनेक्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको जाननी है वो ये कि GoPro में लैव माइक कनेक्ट होता है TRS अडाप्टर का, ना कि TRRS अडाप्टर का। तो सिंपल वर्ड में समझे तो TRS वो अडाप्टर है जिसमें 3 पिन होती हैं और TRRS में होती हैं 4। तो लास्ट फ्यू माइक जो मैं यूज़ कर रहा था अपने GoPro पे, उसके लिए मुझको काफ़ी भारी एक सेटअप बनाना पड़ता था कि मुझको नॉइस कैंसिलेशन करने के लिए स्पॉन्ज वगैरह लगाना पड़ता था जिससे कि बाहर की हवा की आवाज़ ना आए। लेकिन इस माइक में ऐसा सीन नहीं है। जब मैंने माइक यूज़ किया तो मैं काफ़ी सरप्राइज था कि इस माइक की क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने अपने हेलमेट का वाइजर बंद कर रखा है और अब मैं एक बार आवाज़ चेक करता हूँ कि अगर हम थोड़े स्पीड में चलते हैं तो कैसी आती है इसमें आवाज़। अभी मैं हूँ 90 की स्पीड पे और होपफुली आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने हिमाचल में इसको बिना हेलमेट के यूज़ किया था, आई मीन डायरेक्टली कॉलर पर लगा करके, और वहाँ पर भी आवाज़ अच्छी थी। तो अभी हेलमेट का वाइज़र है बंद और स्पीड है 105, इतनी तेज़ चलानी नहीं चाहिए। अब एक बार वाइज़र खोलते हैं, अभी थोड़ी आवाज़ में ख़राबी होनी चाहिए। वाइजर खोल लिया है और गाड़ी की स्पीड है अभी 90, जोश में होश नहीं खोना है। अभी हमें 100 की स्पीड पे और अभी एक बार साउंड चेक करते हैं कि कैसी है, होपफुली सही होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में थे हम। तो अभी मैंने अपने हेलमेट का वाइजर खोल रखा है और अब बात करते हैं इस लैव माइक के प्राइस की। तो ये है मोनो का AU400 और इसको मैंने परचेस किया था, जो पहला मैंने परचेस किया था वो मुझको मिला था 290 रुपीज़ का, और अभी जो दोबारा से मैंने ऑर्डर किया है वो मुझको मिला है 320 रुपीज़ का। तो ये वेरी करता रहता है 270 रुपीज़ से 350 रुपीज़ तक। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी अच्छा माइक है, मतलब अगर आप लोग GoPro ले रहे हो तो 30,000 का GoPro लेते हो, उसके बाद में इसका अडाप्टर आना था 4,000 का, इतना स्पेंड करने के बाद में काफ़ी लोग 150 रुपीज़ तक के भी लैव माइक पे जाते हैं, जो कि सही काम करता है। लेकिन उसके लिए फिर आपका झमेला है कि आपको उसके लिए नॉइस कैंसिलेशन के लिए स्पंज लगाना पड़ेगा। लेकिन इस माइक में मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ जब भी मैं बाइक चलाता हूँ। वाइज़र खुला हुआ है, अब कर लिया वाइज़र बंद, तो मच रिकमेंडेड माइक है, आप चाहो तो ये माइक ले सकते हो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस माइक को हेलमेट से निकाल करके यहाँ कॉलर में लगाने जाता हूँ और उसके बाद में एक बार इसका चेक करते हैं कि कैसा है इसका नॉइस कैंसिलेशन। छांव देख लें, किसी छांव में रोकते हैं। तो अभी मैंने माइक को हेलमेट के अंदर से निकाल लिया और मैंने उसको लगा लिया है ये कॉलर पे, अगर आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट में है डिकैथलॉन। चेक करते हैं कैसा है नॉइस कैंसिलेशन। एक बार मैंने इसको और ऐसे यूज़ किया है एंड आई वाज सरप्राइज की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन तब हेलमेट खुला हुआ मैंने पहना था कमांडो वाला। अभी है हेलमेट बंद तो काफ़ी आवाज़ हेलमेट भी रोक रहा होगा, आवाज़ में थोड़ा सा दबाव आ रहा होगा, ऐसे गाड़ी नहीं चलानी है।
तो अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा है, ट्रैवल हो नहीं रहा है, तो बीच बीच में ऐसी वीडियो पोस्ट करने से कैसा रहेगा आप मुझको बता सकते हो। और आप मुझको ये भी बता सकते हो कि कैसी लगी आपको इस वाली माइक की आवाज़, या आपके पास में अगर इससे कोई बेटर ऑप्शन है तो आप उसका लिंक उस माइक का या उसका मॉडल नंबर मुझको कमेंट कर सकते हो। बाकी अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने दोस्त के घर पर, यहाँ से मुझे उससे कुछ कलेक्ट करना है कोई सामान। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस।